सब्सक्राइब कीजिए आदर्श किसान सेंटर चैनल को और पास आए बेल आइकन दबाएं, कृषि संबंधित वीडियो सबसे पहले पाएं। नमस्कार साथियों, आदर्श किसान सेंटर की ओर से सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करते हैं कि गेहूं की फड़ी फसल में अगर दीमक लग जाए तो उसको नियंत्रण कैसे करते हैं। खड़ी फसल में वो बहुत नुकसान पहुँचाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो हम दोनों तरीके बताएंगे कि रासायनिक और जैविक तरीके से कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और सभी किसान भाइयों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, हम शुरू करते हैं कि हमारी गेहूं की खड़ी फसल में अगर दीमक लग जाता है तो वह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, उसको हम बड़ी आसानी से नियंत्रण भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक खड़ी फसल में नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा फसल को ख़राब करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इतनी फसल को ये ख़राब कर देता है। इसकी पहचान के लिए हमें जिस मतलब गेहूं में दीमक लगा हुआ है वह बाली मुरझा जाती है, और जैसे ही हम उस पर ऊपर की तरफ खींचते हैं तो हल्की खिंचाई से ही वो ऊपर आ जाती है। तो हम बात करते हैं कि जैविक तरीके से इस दीमक पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं और हमारी फसलों को इससे कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, हमको टी स्टैंड कंपनी का ऑर्गेनिक मेटारिजियम एनिसोपली आती है, इसको हमको तरल में और पाउडर में दोनों में आती है। हमको पाउडर में 1 किलोग्राम को गोबर के साथ में मिलाकर 1 बीघे के लिए बुरकाव कर देना है, इससे कि वह दीमक नियंत्रण हो जाएगी और जो दीमक बचेगी वह इसकी गंध के कारण नीचे चली जाएगी। नीचे चले जाने के कारण फसल को कोई नुकसान नहीं करेगी और ऊपर जो रहेगी इस गोबर को वह जैसे ही खाएगी उसको नियंत्रण हो जाएगा। तो किसान भाइयों, हमको इससे जैविक तरीके से दीमक का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेटारिजियम एनिसोपली का ध्यान रखें और इससे बड़ी आसानी से हमको दीमक पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।